हमारा भारत विभिन्नता वाला देश है और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जो पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक जगह है जो कि हजारों साल पहले बनाए गए थे, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अजंता एलोरा नहीं बल्कि उदयगिरी एवं खंडगिरी के बारे में, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर सिटी से महज 6 किलोमीटर दूर में स्थित है। वैसे तो ये अजंता और एलोरा गुफा जितना फेमस नहीं है, लेकिन इसका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया था। उदयगिरी एवं खंडगिरी दो पहाड़ी हैं, जो कि भारत के समृद्ध अतीत एवं ऐतिहासिक अवशेष के रूप में स्थित है। इन दोनों पहाड़ियों में कई सारे गुफाएं हैं। उदयगिरी में जहां 18 गुफाएं हैं, वहीं खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। यह दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर है और एक दूसरे के आमने सामने है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशालकाय शिलाखाओं को काटकर बनाया गया था। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया था। इन गुफाओं को पहाड़ों को काटकर इस तरह से बनाया गया है जैसे कि एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। उस समय जैन भिक्षुकों के लिए रहने और ध्यान लगाने के स्थान के रूप में भी यह गुफाएं जाना जाता है। इन गुफाओं में काफ़ी नक्काशी भी की गई है। यहाँ 1-2 तल्ला गुफा भी है जिसे रानी गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा काफी विशालकाय और बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियों से सुसज्जित है। क्या आप जानते हैं यह पूर्व भारत के सबसे ज़्यादा भ्रमण किए जाने वाले और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक है। उदयगिरी एवं खंडगिरी की जब आप ऊपर टॉप में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी एक नज़ारा मिलता है, जहां से आप पूरे भुवनेश्वर सिटी को अपनी आँखों से देख सकते हैं। वो भी एक अद्भुत नज़ारा मिलता है। पूरी कैंपस हरियाली से भरी हुई है, जहां पर आप बहुत ही अच्छी अच्छी पिक भी ले सकते हैं और इस ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक जगह का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। भुवनेश्वर सिटी एवं एयरपोर्ट वहां पे बहुत ही सामने में है, जहां से आप अपना पर्सनल कार लेके या बाई किराया पे कार लेके इजीली इस प्लेस का विजिटिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।